दोस्तों, धरती पर जानवरों की लाखों प्रजातियां हैं और यह प्रजातियां अपने आप में नायाब नमूने हैं। इनमें से कई जीव जंतु ऐसे हैं जो अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण लोगों को हैरान करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे जीवों के बारे में जो अपनी अद्भुत विशेषताओं के कारण प्रकृति में ऐसे घुल मिल जाते हैं जिन्हें देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टिक इंसेक्ट की। इस जीव को स्टिक इंसेक्ट के साथ साथ वॉकिंग इंसेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा चल रहा है। इस इंसेक्ट को पहली नजर में देखने पर यह किसी लकड़ी के टुकड़े के जैसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से यह टहनियों में अपने आप को आसानी से छुपा लेता है। यह इंसेक्ट अपनी लकड़ी जैसी बनावट से अपने दुश्मनों को जल्द नजर नहीं आता। आमतौर पर यह हरे और भूरे रंग के ही दिखाई देते हैं। वहीं कुछ प्रजातियां खतरे से बचने के लिए अपने रंग को बदलने में भी माहिर होती है। अगर इनके आकार की बात करें तो मादा नर की अपेक्षा लंबी होती है। शिकारी जीव जंतुओं से अपने आप को बचाने के लिए यह दिन के उजाले में मुश्किल से ही हिलते डुलते नजर आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डेडलिफ्ट मेंटिस। ऐसे कई जानवर हैं जो अपने रंग की वजह से प्रकृति में खो से जाते हैं, जिन्हें पहचानना और देख पाना मुश्किल हो जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों सा दिखने वाला डेडलिफ्ट मेंटिस अपने आप को इतनी खूबसूरती से पत्तियों में छुपा लेता है कि पत्ती और मेंटिस में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। हरे पत्तों से घिरे होने पर इसकी स्किन हरे रंग की और पेड़ के तने की छाल या जमीन पर जाने के बाद ब्राउन कलर की हो जाती है, जिससे यह शिकारी जीव जंतुओं से अपने आप को बचा लेता है। दोस्तों, ऐसा ही एक और मेंटिस है जिसका नाम ऑर्चिड प्रेइंग मेंटिस है। साउथ ईस्ट के वर्षावनों में पाए जाने वाला यह खूबसूरत जीव है ऑर्चिड प्रेइंग मेंटिस। यह फूलों के रंग में इतना घुल मिल जाता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो यह फूल का ही एक हिस्सा हो। रंग बदलने और फूलों के जैसे मिलते जुलते आकार में रहने से यह शिकार को चकमा देकर आसानी से पकड़ लेता है। वहीं शिकारियों की नजर से भी बचा रहता है। फूलों की पंखुड़ियों पर रहने वाला यह मेंटिस दिखने में बेहद ही कोमल और खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन यह एक मांसाहारी जीव है। यह पलक झपकते ही अपने शिकार को पकड़कर खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फिलीडाई लीफ इंसाइटस। आमतौर पर साग सब्जियों में हमें कीड़े दिखाई देते हैं और हम उन्हें आसानी से निकालकर हटा भी देते हैं, लेकिन कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो आंखों को धोखा दे देते हैं, जैसे फिलीडाई लीफ इंसाइट। यह कीड़ा बिल्कुल पालक के पत्ते जैसा दिखाई पड़ता है और ज्यादातर पालक के पत्तों पर ही पाया जाता है। वैसे यह न केवल पालक पर पाया जाता है बल्कि पत्ते वाली हर सब्जी में पाया जाता है। इस जीव का रंग और आकार इतना ज्यादा पत्ते से मिलता जुलता है कि इस कीड़े और पत्ते में फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के वर्षावनों में आसानी से देखा जा सकता है। यह अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल सकता है। पत्तियों की तरह दिखने की वजह से इसे वॉकिंग लीफ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं डेडलिफ्ट बटरफ्लाई की। डेडलिफ्ट बटरफ्लाई ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में देखे जाने वाली सबसे आकर्षक तितलियों में से एक है। यह दिखने में एकदम सूखे पत्ते के जैसे दिखाई देती है, जिसकी वजह से यह अपने आप को पेड़ पर या जमीन पर अपने आप को बेहद ही खूबसूरत तरीके से छुपा लेती है। जब यह अपने पंख बंद करती है तो किसी सूखे पत्ते जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन जब यह अपने पंखों को खोलती है तब इसके पंखों का रंग बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। खतरे को भांपते ही यह अपने पंखों को बंद कर लेती है, जिससे यह शिकारी जीव जंतुओं को धोखा दे देती है। इस बटरफ्लाई के पंखों का रंग और डिजाइन बिल्कुल पत्ते के जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा आंखों को धोखा देने वाला जीव कौन सा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।